राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। समाजवादी पार्टी ने आयोग को शिकायत पत्र भेजा है। शिकायत की है मतगणना स्थल पर जैमर लगाए चुनाव आयोग। ये कहना है सपा का, समस्त जनपदों में मोबाइल जैमर लगाए जाने चाहिए। नरेश उत्तम ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ये पत्र लिखा है। सपा की तरफ से ये पत्र लिखा गया है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सपा की तरफ से कहा गया है कि समस्त जनपदों में मोबाइल जैमर लगाए जाने चाहिए। नरेश उत्तम ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पर जैमर की व्यवस्था होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। शिकायत के लिए एक बकायदा पत्र भेजा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से और आयोग को ये जो पत्र लिखा गया है इसमें मतगणना स्थल पर जैमर लगाने की बात कही गई है चुनाव आयोग से और समस्त जनपदों में मोबाइल जैमर लगाए आयोग, ये बात उन्होंने इस पत्र में लिखी है। गौरतलब है कि नरेश उत्तम ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ये पत्र लिखा है। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की, शिकायत के लिए एक पत्र लिखा, पत्र में जैमर लगवाने की बात कही गई है। यहां आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर जैमर लगाए चुनाव आयोग, ये कहना है सपा का। नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी आ रही है, पूरा अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग को लिखा गया है एक पत्र, जिसमें मांग की गई है कि समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि जहां पे काउंटिंग होनी है मतगणना स्थल के पास मोबाइल जैमर का प्रयोग किया जाए। वहां पर आशंका जताई गई है कि मोबाइल का दुरुपयोग हो सकता है और वहां पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है मोबाइल के जरिए। तो कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी को आशंका है कि जो लोग कर्मचारी होंगे उनके ऊपर बाहर से फोन कॉल के जरिए दबाव डाला जा सकता है। इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने मांग किया है कि प्रदेश में जितने भी मतगणना स्थल हैं वहां पर मोबाइल जैमर लगा दिया जाए जिससे वहां पर नेटवर्क काम न करे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अगली खबर।